हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरआरबी। आज की जो रेसिपी है वो है सोया कबाब की। तो मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनती है, सोया कबाब का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, इसके लिए जो पेस्ट बनाना है उसमें मैंने सबसे पहले धनिया डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला है, एक बड़ा प्याज और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और आप 5-6 कलियाँ लहसुन की डाल सकते हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं। और मैंने इसमें 2 ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 3-4 भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। पेस्ट को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब बारी आती है सोया चंक्स को, जो कि मैंने पहले भिगो के रखा हुआ था नॉर्मल पानी के अंदर, और अब उसको अच्छे से निचोड़ के मैं यहाँ पे चूरा यूज़ कर रही हूँ। आप सोया चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड तो हमने इसे ग्राइंड ही करना है। मेरे पास सोया चंक्स अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं चूरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से निचोड़ के हमें ग्राइंडर में डालना है, और इसका एक फाइन पेस्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे से दरदरा पिस जाएगा। तो उस तब तक इसको हमने ग्राइंड करना है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथ हो गया है बिल्कुल। तो हमें इसी तरीके से सिर्फ इतना ही ग्राइंड करना है ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल रही हूँ, जिसके साथ मैंने वो जो चटनी ग्राइंड की थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, जो कि आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी रेड चिली, जो कि 1 टीस्पून है। उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, अगर आपने स्पाइसी करने हैं तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ गर्म मसाला। उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून ऑफ अमचूर और 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ जो जीरा होता है उसका पाउडर। अब इसके अंदर जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है देवी मिर्च, जो कि इसके कलर को बहुत अच्छा लेकर आएगी, बिल्कुल मार्केट जैसा कलर और टेक्सचर हो जाएगा इसका। वो भी मैंने 1 टीस्पून देवी मिर्च का डाला है। ये है कॉर्नफ्लावर, जो कि मैं इसे 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मटेरियल को बाइंड करने में हेल्प करता है, इसके अलावा इसके बगैर वो बिखरा बिखरा मटेरियल आपका बाइंड नहीं होगा, अच्छे से कबाब नहीं बन पाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ मैदा डाला है, ये जस्ट बाइंड करने में हेल्प करती हैं दोनों चीज़ें। अगर आप लोग मैदा और कॉर्नफ्लावर को अच्छा नहीं मानते या आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह आप 3 टेबल स्पून ऑफ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको डो बना लेंगे। एक यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करना रख दिया था बहुत पहले से ही, और अब इसको जब हम फ्राई करेंगे तो इसका ध्यान रखना है हमने कि इसको हमने बड़ी लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अदरवाइज़ ये ऊपर से तो पक जाएगा बट अंदर से जो है वो कच्चा हो जाएगा। आप एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल के ट्राई कर सकते हैं कि तेल गरम हुआ है या नहीं हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा डाल के ट्राई किया है। तो अभी तेल गरम है, तेल एकदम परफेक्टली फाइन है कि बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई होने के लिए रेडी है। अब इसमें मैं कबाब डालना शुरू करूँगी। कबाब की शेप देने के लिए मैं यहाँ पे ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि तंदूर में लगाने वाली स्टिक्स होती हैं, वो इसमें अच्छे से बाइंड हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये स्टिक को यूज़ किया। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप कुछ भी इसी शेप के सिलाई या फिर कोई पेंसिल लेकर भी आप कबाब की शेप दे सकते हैं। मैटर करता है कि वो कबाब की तरह अच्छे से बाइंड हो जाए और टूटे ना। तो अगर आपके पास ये नहीं है और अगर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप लास्ट में इसको कटलेट की शेप देकर भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेवर वही आना है, टेस्ट वही आना है, बस थोड़ी शेप का चेंज हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप इसे कटलेट की तरह भी बना सकते हैं। अब इसको हमने
तो गाइस मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप इसे ऑयल में धीरे धीरे डालिएगा। अगर आप कटलेट की शेप में बना रहे हैं तो भी एक से दो पहले ट्राई कीजिएगा डालने का, क्योंकि कई बार ये होता है कि टूटते हैं अंदर डालने के बाद, तो अगर आप इकट्ठा सब डाल देंगे तो हो सकता है कि कहीं वो चूरा ना बन जाए अंदर जाके, तो बेटर है कि आप एक एक करके डालिएगा। अब ये हमारा कबाब यहाँ पे रेडी हो गया है। मैं इसी तरीके से दो तीन कबाब को शेप देके फ्राई करने वाली हूँ, तो अब इसे निकाल के देखते हैं कि ये कबाब एक्चुअल में दिखने में तो ठीक लग रहा है, बट इसे काट के मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये काटने के बाद इसका क्या टेक्सचर है, अंदर से क्या टेक्सचर है इसका। दिखने में तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसा दिख रहा है, जैसे मार्केट के अंदर हम लोग कबाब खाने जाते हैं और वो बिल्कुल इसी टेक्सचर में और इसी कलर में वो कबाब मिलता है। देखिए बिल्कुल चारों तरफ से बहुत अच्छे से पक गया है और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसको काट के देखती हूँ कि इसके अंदर का क्या सीन है। ये देखिए काटने के बाद क्रिस्पीनेस पूरी है इसके अंदर, और काटने के बाद भी ये अंदर से काफ़ी जूसी है और पक भी गया है काफ़ी अच्छे से। तो गाइज आई होप आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर 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 ट्राई करेंगे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।